किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? बुद्ध ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि नीचे बैठने वाला इंसान कभी भी नहीं गिरता। यदि आप ये 6 बातें जान गए तो आप किसी भी इंसान को आसानी से जान पाएंगे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। इंसान की नजरें बता देती है कि उसकी सूरत कैसी है, और उसका स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। बेहद ही खूबसूरत बात है कि सुन लेने से ना जाने कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर से वहीं उलझ जाते हैं। किसी ने बहुत ही शानदार बात लिखी है कि गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूते की जरूरत है। दिल पे हरगिज ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, क्योंकि कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जग जो अपने दे जाते हैं। दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बनने से कई गुना ज्यादा बेहतर है कि अपने ही मौज के फकीर बने रहिए। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो आपका अनुभव। कांटों और चाकू का नाम तो बेवजह ही बदनाम है, वरना चुभती तो निगाहें भी हैं और काटती तो जुबान भी है। और दोस्तों, क्या खूबसूरत बात है कि पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना सा ही तो है ये जिंदगी का सफर। हालात चाहे जैसे भी हों, बस डटे रहें, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। हमेशा प्रेम से रहिए, जरा सी बात पे रूठा नहीं करते, क्योंकि पत्ते वही जिंदा रहते हैं जो शाख से टूटा नहीं करते। इसलिए जब तक है तब तक शाख पर बने रहिए और हमेशा हरे भरे रहिए। क्या बात है कि पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, और अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग बदल जाते हैं। जब आंसू आपका हो और पिघलता कोई और हो, तब समझिएगा कि वो रिश्ता उच्च से भी उच्च कोटि का हुआ है, फिर वो चाहे प्रेम का रिश्ता हो या मित्रता का। हमारे रिश्तों में कुछ ऐसी भी बातें होती रहनी चाहिए कि वो हमसे ना कहें तो हम ही उनसे कह दें कि आ कहीं मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। दोस्त, किताब और सोच, ये चारों अगर आपको जीवन में सही मिले हों तो जिंदगी निखर जाती है, वरना यकीनन ये बिखर जाती है। ख्वाब तो सारे मीठे ही देखे थे, पर पता नहीं आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। ख्वाब सी ही होती हैं कुछ यादें, सिर्फ आंखों में रहती हैं, जिंदगी में नहीं। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, लेकिन अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट जाता है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, चलते वक्त को बदलने की कोशिश ना करो, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर भी छोड़ दो यार, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश ना करो। कर्तव्य ही एक ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं देता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे ही आते हैं। एक बेहद ही आकर्षक बात जो किसी व्यक्ति ने खुद से कही है कि जब भी देखता हूं किसी को हंसते हुए तो यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। दरअसल सच्चाई तो यह है कि जिसका मन मस्त है उसके ही पास समस्त है। अगर वाकई में आप जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो ये बात हमेशा याद रखें कि बेशक पांव फिसल जाए, पर जुबान को कभी फिसलने मत देना, क्योंकि पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। एक चेहरे की तलाश में आप दुनिया वालों से खफा होंगे, और जब वो चेहरा आपके पास होगा तब आप इन दुनिया वालों की नजरों से दफा होंगे। दोस्त जन्नत है या दौलत पता नहीं, पर दोस्त सुकून होते हैं। वक्त कितना भी कठिन हो, वो ही तो मुस्कुराहट की वजह भी होते हैं। वो बात ही कुछ अजीब थी, वो हमसे रूठ गई जो दिल के सबसे करीब थी। उसने तोड़ दिया दिल हमारा, और लोग कहते हैं कि वो लड़की बहुत शरीफ थी। भुलाना और भूल जाना तो बस एक वहम है दिल का, वरना कोई नहीं निकलता दिल से एक बार बस जाने के बाद।
बेवकूफ औरत अपने शौहर को गुलाम बनाती है और खुद गुलाम की बीवी बनती है, जबकि अकलमंद औरत अपने शौहर को बादशाह बनाती है।